हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिवानीज कॉर्नर हिंदी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पालक, बैगन और हरे मटर की एक अनोखी सब्जी जो कि मिनरल्स एंड विटामिन से भरपूर है। इस सब्जी में कैलोरीज बहुत कम है, तो जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं या जिनको बीपी, डायबिटीज़ वगैरह की बीमारियां हैं या जो परहेज करना चाहते हैं आलू वगैरह से, उनके लिए बहुत ही अच्छी सब्जी है। इसमें मसाले भी बहुत कम हैं और बहुत ही टेस्टी सब्जी है ये। चावल रोटी किसी के साथ भी बहुत अच्छी जाती है। तो इसके मेन इन्ग्रीडियंट्स जो हैं, यहाँ पर मैंने पालक लिया था 250 ग्राम, जिसको धो के अच्छे से काट लिया आपने देखा। इसके साथ में एक कटोरी मटर ली है, हल्दी है, नमक है, फ़ौरन के लिए 6-7 कलियां लहसुन की ली हैं, एक लाल मिर्च है, मेथी है, कसूरी मेथी है। तो लहसुन आप जानते हो कि बीपी, कोलेस्ट्रॉल वगैरह के पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मेथी दाने डायबिटिक के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तीखा बहुत कम है, यहाँ पे हमने बस एक लाल मिर्च ली है। हल्दी आपका एंटीबायोटिक है, तो ये आपके फूड में रहे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। और यहाँ पर जो मैंने पालक लिया वो मिनरल्स एंड विटामिन से रिच है। आपका हरे मटर भी बहुत ही अच्छे पौष्टिक हैं, बैगन आयरन से रिच होता है, टमाटो में विटामिन सी है, तो ये एक भरपूर सेहतमंद फूड है। और यहाँ पे मैंने जो तेल यूज़ किया है वो भी सरसों का तेल है, जो कि हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो सबसे पहले पैन गरम करेंगे, उसमें 2 चम्मच, ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है, 2 चम्मच हमने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है। सरसों का तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसमें हमने जो लहसुन की कलियाँ ली थी उनको डाल देंगे, फिर मेथी दाने, कसूरी मेथी और लाल मिर्च, इन सबको डालकर अराउंड 30 सेकेंड हम अच्छे से भून लेंगे, ताकि इसमें जो लहसुन का कड़वापन है वो निकल जाए थोड़ा सा। जब ये आपको लगे कि थोड़ा सा लाल हो गया है, तो अब हम इसमें कटे हुए पालक जो हमने पहले से काट के रखे हैं उसको इसमें डाल देंगे। अगर आपके कुकर से ज़्यादा पालक होता है तो आप थोड़ा थोड़ा करके डालें। देखिए ये पालक हमने इसमें डाल दिया है, तो इसको हम प्रेशर कुकर के ढक्कन लगा देंगे सीटी निकाल कर, विसल को नहीं लगाएंगे, बस ऐसे ही ढकेंगे ताकि हमारा जो पालक है वो थोड़ा थोड़ा नरम हो जाए। हर 30 सेकेंड पे हम इसको पलट लेंगे, तो आप देख सकते हैं पालक पानी छोड़ रहा है और वो थोड़ा सा नरम हो गया है। तो इस तरह करके हम 4-5 बार करेंगे तो हमारा पालक एकदम अच्छे से गल जाएगा। तो हमें इसमें पानी भी नहीं डालने की ज़रूरत है। इन सारी सब्जियाँ जो हैं इसमें खुद का बहुत मॉइस्चर होता है, तो उन्हीं पानी में ये गल जाएगा। तो इसी तरह 30-30 सेकेंड करके आप ढककर इसको थोड़ा सा पकाकर आप देखेंगे, देख रहे हैं पालक इसमें पक गई है। तो इस तरह हम इसको ढक लेंगे। जब आपका पालक आधे हो जाए, मतलब जैसे कुकर पूरा भर गया था, जब ये लगे कि आधा हो गए, तब हम इसमें बैगन डालेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 5-6 बैगन लिए थे छोटे वाले, उनको हम अच्छे से धो के इस तरफ छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आपका जैसा भी बैगन है, ये ज़रूरी नहीं कि सेम इसी तरह का बैगन चाहिए, आपके पास जो भी बैगन है आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो बैगन को हम इस तरह कट कर लेंगे। जब आपका बैगन अच्छे से कट हो जाए, पहले से काट के मत रखना बैगन को, क्योंकि बैगन काला हो जाता है, तो जब हमें डालना होगा उसी समय हम डालेंगे, कट कर लेंगे, तो ये जल्दी जल्दी कट भी हो जाता है और हमारा बैगन काला भी नहीं होगा। बैगन काला होने से क्या होता है कि उसमें जो आयरन होता है ना, उसका ऑक्साइड बन जाती है, तो काला बैगन खाने से हमारे सेहत को हानि पहुँचती है। तो काला करके बैगन को कभी मत खाइएगा। इनकेस अगर आपने बैगन को पहले काट लिया है तो उसको पानी में डुबो के रखिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे पालक अच्छे से गल गई है, तो इस और इसने बहुत सारा पानी भी छोड़ा है। ये पालक का खुद का पानी है, हमने पानी नहीं डाला है। तो अब हम इसमें अपने बैगन को डाल देंगे और इसी तरह थोड़ा सा हम पकाएंगे, ताकि बैगन भी थोड़ा नरम हो जाए और बैगन की भी थोड़ी सी पानी छूट जाए, जिससे इसी पानी में हमारा सब्जी पक जाएगा। ये जल्दी गल जाए इसलिए हम इसमें हल्दी और नमक दोनों अभी ऐड कर सकते हैं। तो हम इसमें ऐड करके इसको अच्छे से स्टिर कर देंगे और इनको इनके ही आंच में पकने देंगे। एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी कि यहाँ पे जो हमारा फ्लेम है वो हमेशा मीडियम फ्लेम रखेंगे। तो देख सकते हैं ऐसे ढक ढक के अगर हमने पकाया तो बैगन और पालक दोनों ही पानी छोड़ रहा है और दोनों ही अच्छे से गल रहा है। यहाँ पे हमने बैगन को फ्राई नहीं किया है। जब आपका बैगन लगे कि आपका गल गया है, तो आप इसमें हरा मटर जो हमने रखा था, मैंने यहाँ फ्रोज़न पील लिए। अगर आपको ताज़े मटर मिल जाएँ तो आप ताज़ा मटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ्रोज़न पी था, इसको मैंने यहाँ डाल दिया है। और इसके साथ में हमने एक बड़ी साइज़ की टमाटर ली है, थोड़ा सा बड़ा, एकदम रेड लेना, ताकि उसका खट्टापन, उसका टेस्ट इसमें आए। हमने यहाँ पर कोई ख़ास मसाले नहीं लिए हैं, इसलिए इनके जो बेसिक टेस्ट है वही उभर के आएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा टमाटर लिया है कि टमाटर का टेस्ट इसके अंदर आए। इस सब्जी को आप चाहो तो रोटी के साथ, नान के साथ, पूड़ी के साथ, चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। इवन अगर आपको दही और
पोहे पसंद हैं तो दही चूड़े के साथ ये सब्जी बहुत ही अच्छा लगता है सुबह के नाश्ते में। तो इस तरह इन सबको डाल के हम फिर से ढक देंगे और विसल लगा देंगे। अब इन्हीं के पानी से हम वेट करेंगे एक या दो विसल का मीडियम फ्लेम पे। तो जब ये दो विसल दे दे तो हम इसको खोल लेंगे। इसमें खूब सारा पानी आएगा, बैंगन का, ग्रीन पी का, पालक का, देख सकते हैं कितना सारा पानी आया। दो विसल हो गया था मैंने और विसल को मैंने निकाल लिया है। एक और चीज़ फ्रेंड, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए कितने अच्छे अच्छे डिशेज लेके आती हूँ, इतनी अच्छी वीडियोज़ लेके आती हूँ। और एक बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो दूँ तो उसके अपडेट्स आ जाएँ। इनकेस अगर आपने आपको ये अच्छी लगे तो कमेंट्स भी लिखना। अगर इसको ट्राई किया तो कमेंट्स लिख के ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना। देख सकते हैं इसमें बहुत सारा पानी है, तो इतना पानी हम सब्जी में नहीं रहने देंगे। हम थोड़ा सा हाई फ्लेम कर कर इसको थोड़ी देर पकाएंगे ताकि इसकी ये जो पानी है वो उड़ जाए और हमारा जो ये सब्जी है वो थोड़ा सा लटपटा सब्जी बन जाए। बहुत ज़्यादा ग्रेवी की इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने प्याज भी नहीं दिया है, कोई खास मसाले नहीं दिए हैं और इतने कम मसालों में ये सब्जी आप ट्राई करके देखना, ऐसी सब्जी आपने खाई नहीं होगी, इतनी टेस्टी सब्जी ये बनती है। तो इस तरह हम इसको थोड़ा सा और स्टिर करेंगे, थोड़ी देर और 3 से 4 मिनट हम इसको पकाएंगे ताकि ये जितनी पानी ये पालक ने, बैंगन ने, टमाटर ने छोड़ी है वो सारी थोड़ी सी सूख जाए और थोड़ा सा लटपटा हमारा ये सब्जी बन जाए। एकदम ड्राई सब्जी बनाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ये लटपट लटपट होता है, मतलब सेमी ड्राई होता है, बहुत पानी भी नहीं होनी चाहिए और एकदम सूखा भी नहीं होना चाहिए। तो आप अपने अंदाज से इसको जैसे आपको लगे कि अब इतना ही आपको ग्रेवी चाहिए उसी ग्रेवी में आप इसको बंद कर लेंगे। तो ये लगभग मेरा बन गया है, मैं 1-2 मिनट इसको और पकाऊंगी ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आए। तो इस तरह हम इसको बना लेंगे। अगर आपको गरम मसाला पसंद है तो आप फोरनी में एक इलायची भी डाल सकते थे। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया है, तो मैं इसको पैन में निकाल लूँगी। देख सकते हैं कितना यमी और कितना टेस्टी है। तो ये बहुत ही अच्छी सब्जी है, जो हेल्थ कॉन्शियस हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी है। टिफ़िन में यूज़ करो, कभी भी आप कहीं भी एनी टाइम आप इसको खाओ, बहुत ही अच्छी लगेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।